नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इंदौर दाहोद रेलवे प्रोजेक्ट को लेके बहुत लोग बहुत ज़्यादा इच्छा है उनकी कि जल्द से जल्द इसका कुछ काम होता हुआ दिखे, क्योंकि अभी तक पूरा प्रोजेक्ट ठप पड़ा हुआ है, ख़ासतौर पे मालवा में जो ये काम हो रहा था। और जैसे तैसे कुछ महीनों पहले बहुत उम्मीद बंधी थी कि इस रेल लाइन का काम अब तेज़ी से होगा, लेकिन अब वो उम्मीद भी जो है दोस्तों वो अब काफूर होती हुई दिख रही है। और सबसे जो इसकी जो इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी बाधा है, पीथमपुर और टीही के बीच में जो टनल बनना है, वो टनल के निर्माण को लेके जो टेंडर बुलाए गए थे वो अब रिजेक्ट कर दिए गए हैं, निरस्त कर दिए रेलवे ने, और अब वापस रीटेंडरिंग का प्रोसेस जो है वो कर दिया गया है। 2.94 या 96 किलोमीटर लंबी जो ये सुरंग है उसका टेंडर अब वापस रिकॉल किया गया है, जो कि अब सितंबर में खोला जाएगा। दोस्तों, बड़ी निराश करने वाली खबर है, क्योंकि जैसे तैसे तो मुहूर्त आया था, पहले रेल मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को फ्रीज कर दिया, फिर बड़ी मुश्किल से इसको डीफ्रीज किया गया, फिर इसके टेंडर बुलाए गए, और जब वो टेंडर बुलाए तो मेरे ख्याल से 2 या 3 कंपनियाँ ये इसमें आई थी, ऐसा अनऑफिशियली मुझे जानकारी लगी है कि जो कंपनियाँ आई थी वो जो हैं, जो रेलवे ने जो स्पेसिफिकेशंस रखे थे, जो क्राइटेरिया रखे थे कि जिस भी कंपनी को काम दिया जाएगा वो इस कैटेगरी के या कैटेगरी में होगी, तो वो फुलफ़िल नहीं कर रही थी, और यही वजह रही कि टेक्निकल बिड में ही ये कंपनियाँ जो हैं वो फिर बाहर हो गई, और रेलवे ने वापस रीटेंडर का निर्णय ले लिया। दोस्तों, आप सोच सकते हैं अभी सितंबर में ये ओपन होंगे तो ये अक्टूबर नवंबर तक बात जाएगी, क्योंकि टेक्निकल जो बिड होती है, तो ये टेक्निकल बिड जो इसको पूरी जांचने में कंपनी की क्या कैपेसिटी है, क्या कैपिटल है, और क्या इतना बड़ा काम वो कर सकती हैं, ये सब देखने में ये काफ़ी टाइम लगाते हैं अधिकारी लोग। और स्वाभाविक भी है, अब इतना बड़ा काम जब सौंपा जाता है किसी कंपनी को तो सब ठोक बजा के देखना भी ज़रूरी है। तो बहरहाल दोस्तों, अभी तो जो टनल का मामला है वो पूरा उलझता हुआ दिख रहा है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये नवंबर दिसंबर के पहले जो पीथमपुर टीही के बीच की जो ये टनल है, तो इसका काम शुरू नहीं हो पाएगा। और जल्दी में दोस्तों छोटा उदयपुर धार रेल लाइन को लेके भी मैं आपको अपडेट दूंगा। और अभी मैं ये पता करने में लगा हूँ कि जो इंदौर दाहोद प्रोजेक्ट के जो दूसरे टेंडर्स कॉल हुए थे, जिसमें अर्थवर्क वगैरह था, टीही से आगे ये अपने गुणावत होते हुए धार, तो वो वाले कार्यों का क्या हुआ वो भी अभी प्रोसेस में है, और जैसे ही ये टेंडर अवार्ड होंगे वैसे ही मैं आपको अपडेट करूंगा। और यदि ये जानकारी यदि अगर दोस्तों पसंद आई हो तो उसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और रेलवे की मैं लगातार वीडियो में कोशिश करता हूँ कि मैं दूँ, कभी कभी बीच बीच में ये गैप होता है, पर अब मैं कोशिश करूँगा कि इसमें कंटिन्यूटी जो है वो मेरी बनी रहे। राइट्स का जो सर्वे जो महू सनावत सेक्शन का हो रहा है, हम जल्दी एक उसका भी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं, और मेरे को लगता है ये अपने नेक्स्ट वीक तक ये वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ, कभी अगर यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।